गाइस कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। सबसे पहले वेलकम, खुशामदीद, स्वागत है मेरे आज के इस नए ब्लॉग में गाइस। तो गाइस फ़िलहाल अभी मैं बड़ा करके ठीक है कोलियारी के चेक पोस्ट के सामने हूँ, और चेक पोस्ट के सामने ही जबरदस्त काली पूजा होती है गाइस, जो दीपावली के दिन से स्टार्ट हो जाती है, और चार दिन बड़े धूमधाम से पूरे बंगाल में गाइस काली पूजा जो है वो दुर्गा पूजा के ही तरफ जबरदस्त फेमस जो फेस्टिवल है उसी रूप में ही काली पूजा मनाई जाती है। तो पूरे बंगाल में बड़ी बड़ी पंडाल, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं पंडाल में देखी जाती है। तो बड़ा जो सामने चले पंडाल और प्रतिमा, साथ ही साथ यहाँ के जो मैनेजमेंट सामने देख रहे हैं बना रहे वीडियो। तो गाइस अभी फिलहाल पुजारी के सामने जो काली पंडाल है गाइस जबरदस्त पंडाल है। मैंने गेट के सामने आप देख सकते हैं पीछे खूबसूरत पंडाल का रूप दी गई है गाइस, और बहुत ही बेहतरीन डिजाइन के रूप में पंडाल बनाई गई है। और आप देख सकते हैं पंडाल में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है बड़ाकर वासी जो है पंडाल और खासकर काली प्रतिमा माँ काली को देखने के लिए इस जगह एकत्रित हो गए। तो मैं आप यहाँ का व्यू दिखाता हूँ कि खूबसूरत किस तरह से ये पंडाल खूबसूरत रूप से बनाई गई है गाइस। तो बहुत ही बेहतरीन आप देख सकते हैं डिज़ाइन, बहुत अच्छी लाइटिंग और बहुत ही सुंदर ढंग से बनाई गई है गाइस। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा जो पेंटिंग की गई है गाइस, डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है और पूरे नेचुरल चीज़ों से बनाई गई है गाइस। और बहुत खूबसूरत यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठाक बोलते हैं इसको, एक्चुअल में ठाक बजाई जा रही है गाइस, और बहुत ही खूबसूरत पंडाल में जो है दर्शनार्थियों से अनुरोध किया जाता है आप लोग आइए पंडाल में जो है पूरी पंडाल में। अरे अरे हम देखे नहीं थे, एक पुराना बहुत ही बेस्ट फ्रेंड जो हम लोग कॉलेज के दिनों में हम लोग पढ़ाई करते थे गाइस, कॉलेज में 1998
फैमिली के साथ यहाँ पर घूमने आए हैं। आप बढ़ा करके खूबसूरत पंडाल का दर्शन करने के लिए, माँ काली का दर्शन करने के लिए फैमिली के साथ आए हैं गाइस। तो बहुत ही खूबसूरत आपका ये पंडाल का रूप दी गई है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पंडाल बनाई गई है गाइस, देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन कितनी बेहतरीन है, मैरून ब्लैक के साथ, और डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है गाइस। और ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। चार दिनों से, तीन दिन हो गई है गाइस, दीपावली का आज जो काली पूजा है तीसरा दिन है गाइस। और ज़बरदस्त यहाँ के जो मैनेजमेंट है वो अपना काम कर रहे हैं, खासकर पुलिस प्रशासन भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ के जो जितने भी पब्लिक है गाइस, जो बढ़ाकर वासी है, बहुत ही प्यार के साथ इस जगह पर दर्शन करने आए हैं। और सभी धर्म के लोग अपने बच्चों के साथ बढ़ाकर में शामिल होते हैं हर त्यौहार में, आप देख सकते हैं। थोड़ा से इन्जॉयमेंट करने के लिए, थोड़ा इंटरटेन करने के लिए, और बच्चों को थोड़ा से खुश करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर देवी जो थोड़ा से भयानक रूप में देख सकते हैं आपको। यहाँ देखने के लिए बच्चे लोग काफ़ी लोग इन्जॉयमेंट यहाँ पर कर रहे हैं और डर भी नहीं रहे, कुछ बच्चे डर जाते हैं लेकिन कुछ नहीं डरते, तो देख सकते हैं काफ़ी इन्जॉयमेंट करते हुए। दिखा रहा हूँ आपको दोनों साइड में, देखिए कितनी दुकानें लगी हुई हैं आपको चारों तरफ, आप देख सकते हैं। पूरा बैगुनिया मोड़ से लेकर ये बैगुनिया मोड़ 1 किलोमीटर के रेंज में है गाइस, काफ़ी भीड़। और खासकर झारखंड से भी लोग बंगाल के काली पूजा देखने के लिए आते हैं गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे लोग काफ़ी इंजॉयमेंट करते हुए। और दोनों साइड देखिए भीड़ है गाइस, और जितने भी वॉलंटियर्स हैं बहुत अच्छे काम करते हैं ताकि किसी प्रकार के किसी को कष्ट ना हो और गाड़ी जो है आसानी से पार हो जाए। और ट्रैफिक जो मैनेजमेंट है वो ज़बरदस्त हो रही है गाइस। पंडाल भी काफ़ी लगी हुई है गाइस, कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पंडाल जो गेट है, मेन गेट, बड़ी बड़ी लाइट के रूप में देख सकते हैं, 6-7 बैगुनिया मोड़ से लेकर आपके पंडाल तक लगी हुई है गाइस। देखिए झूला है, बच्चों जो एंजॉयमेंट कर रहे हैं। खाने पीने के स्टॉल लगी हुई है, हर तरह के जो फेमस डिश जो स्ट्रीट फूड होती है वो फेस्टिवल में लगी रहती है गाइस, फैमिली के साथ के पूरे फैमिली जो है वो खाने का इसके अलावा बहुत से सामान भी जो आपको देखने को मिलेगा जो खास पूजा फेस्टिवल में बिक्री होती है गाइस। तो गाइस देखिए ज़बरदस्त जो मेन लाइटिंग जो गेट की है कितनी बड़ी है गाइस, और बहुत ही खूबसूरत कलर में आपको ये गेट दिख रही है।
और सेव वर्ल्ड लिखी हुई है। कितनी खूबसूरत है, बड़ी ऐसी जो पेड़ है, ट्री है, वो रूप ली हुई है, और बहुत से पक्षी है, बर्ड्स है, बहुत से जो वाइल्ड एनिमल का रूप ली हुई है गाइस। मोड़ जो बढ़ा करके बेगुनिया मोड़ है गाइस, आप जब आसनसोल आएंगे तो इसी पॉइंट पर मिलेंगे, और इधर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से जब आएंगे दिसलगढ़ होते हुए तो ये पॉइंट में मिलेंगे, और ख़ासकर माइथन डैम जो हाईवे नेशनल हाईवे में आप जाएंगे, यही रास्ता है गाइस स्टेशन जाने का, तो यही पॉइंट मिलेंगे। और ये जो है ये रास्ता जो है ये झारखंड को चली जाती है, जो धनबाद होते हुए गया बनारस, तो ये भी जो है ये जीटी रोड है गाइस। तो ये पॉइंट जो है बेगुनिया मोड़, ये दूसरे स्टेट को भी मिलाती है, बंगाल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भी मिलाती है गाइस, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट को मिलाती है, और ख़ासकर इधर पंचायत और नेशनल हाईवे वो मिलाती है। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंस पॉइंट है गाइस, और आपको मैंने आपको दिखाया है कोलियारी के सामने जो पूजा हो रही है, काली पंडाल, काली पूजा जो है एक ज़बरदस्त होती है। अब मेरे घर ठीक 100 स्टेप्स के दूरी में ही ये बेगुनिया मोड़ है, और मैं खास आपका जो स्टेशन रोड के पास ये सिद्धेश्वरी मंदिर के पास एक काली पूजा होती है, मैं थोड़ा सा वहाँ का व्यू दिखाऊंगा गाइस, बने रहे वीडियो। तो गाइस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस, और अपना सपोर्ट इसी तरह देते रहिएगा, और अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना प्यार इसी तरह बरसाते रहिए गाइस। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।